हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। मैं बहुत दिनों से एक चीज़ मुख्य रूप से कहता आ रहा हूं कि अभी इस साल में बहुत कुछ होना देखना बाकी है। ये भी कहा था कि ये राहु का साल और केतु का महीना 4 और 7 का कॉम्बिनेशन, बहुत कुछ इस महीने में अभी आना और देखना बाकी है। अमिताभ बच्चन कल हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ। उनको ही नहीं, उनके बेटे अभिनेता अभिषेक बच्चन को भी कोरोना हुआ, उन्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि ये बात मैंने कई बार कही है कि ये साल अभी बहुत सारी और बुरी खबरें लेकर आएगा। 4 और 7 का कॉम्बिनेशन है। आप देखिए, 4 राहु और 7 नंबर होता है केतु। अमिताभ बच्चन का जो जन्म की तारीख है वो है 11 अक्टूबर 1942। तो बर्थ नंबर होता है 2, यानी कि चंद्रमा का नंबर। और टोटल अगर इनको मैं काउंट कर लूँ, जो पूरा का डेट, मंथ, ईयर, तो उसका टोटल आता है सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके 1। ये मतलब हो गया कि चंद्रमा और सूर्य, 2 नंबर होता है चंद्रमा, 1 नंबर होता है सूर्य। अब 2 नंबर चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ फेर में फंसे राहु और केतु के इस महीने में और साल में। आप देख सकते हैं कि वो हॉस्पिटल पहुंच गए। ये उनके लिए एक जो फेज़ है, चिंताजनक फेज़ है, मैं ये कहूँगा। हालांकि करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, प्रार्थनाएं हैं, हमारी भी दुआएं हैं, पर ये फेज़ उनके लिए उचित नहीं है। उनकी परेशानियां, उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं इस टाइम, जो उन्हें फेस करना पड़ रहा है, उसके कारण भी यही है। क्योंकि चंद्रमा और सूर्य को राहु और केतु लगाते हैं ग्रहण। कॉम्बिनेशन देखिए क्या पड़ा है कि राहु 4 नंबर का साल, केतु 7 नंबर का महीना, और वहाँ पे अमिताभ बच्चन का डेट ऑफ बर्थ, बर्थ और कंपाउंड नंबर जो उनका दोनों आता है वो 2 और 1, यानी कि चंद्रमा और सूर्य दोनों को लगा ग्रहण, और जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे इस टाइम हॉस्पिटल में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये समय कैसा होगा उनके लिए, उनके परिवार के लिए। हालांकि उनके परिवार में बाकी लोग, अभी कुछ लोगों की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो नेगेटिव हैं, पर ये जो पीरियड है, अभी जो पूरा महीना रहेगा जुलाई के अंत तक, ये चिंता कारक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकता है। प्रार्थनाएं काम करती हैं, प्रार्थना कीजिएगा, हम सभी प्रार्थना करेंगे ताकि उनके स्वास्थ्य में जल्दी लाभ हो। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोगों तक वस्तु स्थिति पहुंचाएं, बताएं कि अभी बहुत कुछ इस साल में होना बाकी है, इसे अंत मत समझ लीजिएगा। ये साल कुछ अनहोनी लेकर आया है, ये साल राहु का साल है, ये साल राहु जब आर्द्रा में आता है 18 साल के बाद, उसका साल है। तो ये विनाश का साल है, बेचैनी का साल है, कहीं ना कहीं इस पूरी दुनिया के अंदर उथल पुथल का साल है। अपनी फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा आपको कार्यक्रम कैसा लगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।